ऑड इवन पर बीजेपी सांसद विजय गोयल ने दिल्ली सरकार से खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। लोक अभियान के कार्यकर्ताओं के साथ विजय गोयल से मुख्य सचिव से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सरकार पर पार्टी के प्रचार पर बेतहाशा सरकारी पैसा खर्च करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद विजय गोयल का दिल्ली सरकार की योजना ऑड इवन के खिलाफ विरोध जारी है। विजय गोयल अपने कार्यकर्ताओं और दो विधायकों के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव से मिले और ऑड इवन का हिसाब मांगा। गोयल ने कहा कि ऑड इवन के नाम पर केजरीवाल सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, उसका उन्हें हिसाब चाहिए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के शर्मा जी से मिला और हमने उनसे कहा है कि ऑड इवन टू के नाम के ऊपर जो करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का फूका गया है, उसका हमको हिसाब चाहिए। ये सरकार अपने आप को ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कहती है, तो मैं कहता हूं फिर हमें आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा पूरा अकाउंट्स, चाहे वो चैनल्स पे है, चाहे वो अखबारों के अंदर है, चाहे वो होर्डिंग के अंदर है, चाहे वो और कारों के ऊपर है, न्यूज़पेपर के अंदर है, और जितना भी रुपया उन्होंने खर्च किया है होमगार्ड्स पे, उसका पूरा हमको हिसाब चाहिए। अपने मांग पत्र में गोयल ने बस शेल्टर होल्डिंग, पोस्टर, अखबारों में विज्ञापन, टीवी चैनल पर विज्ञापन, एफएम रेडियो पर विज्ञापन के अलावा होमगार्ड, सिविल डिफेंस की नियुक्ति, प्राइवेट बस को हायर करने पर खर्च का ब्यौरा भी सरकार से मांगा है। आरोप ये भी लगाया गया है कि प्रदूषण को मॉनिटर करने वाली ज्यादातर एजेंसियां जब ऑड इवन को फेल बता रही हैं, तो सरकार उसे लेकर आई क्यों? एक भी रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे वो एनजीटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट हो, चाहे वो टेरी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सीआरआरआई की रिपोर्ट हो, चाहे वो इनकी अपॉइंटेड कमेटी डीपीसी की रिपोर्ट हो, एक भी रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि ऑड इवन से नाम मात्र का प्रदूषण कम हुआ है या ट्रैफिक जैम कम हुआ है। तो फिर दिल्ली बोले दिल से के नाम से इन्होंने करोड़ों रुपया, मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा चमकाने के लिए अपनी पार्टी के विज्ञापन, खाली दिल्ली में नहीं देश भर के अंदर इन्होंने विज्ञापन दिए, हर भाषा हर लैंग्वेज के अंदर इन्होंने विज्ञापन दिए, वो दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे को फूंकने के समान था। मुझे पता चला है तमिलनाडु में किसी ने पटिशन फाइल किया इस बात के लिए और नोटिस हुआ है उसको कि उनकी भाषा में दिल्ली के जो विज्ञापन गए हैं, ऑड इवन, मैक्सपोर्ट या जिसके भी गए हैं, उसका वहां क्या लॉजिक बनता था। अगर ऐसे ही चलने लगा तो आप ये समझिए कोई भी सरकार कैसे काम कर सकती है, अगर वो दिल्ली की हार्ड एंड मनी को, उनके टैक्स के पैसों को इस तरह से फूकेगी। हमने के शर्मा जी को इसलिए दिया है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं, हमने उनको कहा है कि वो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका उतना ही रोल है इसके अंदर। विजय गोयल का मांग पत्र अब मुख्य सचिव के विचाराधीन है। उम्मीद जताई जा रही है कि हफ्ते 10 दिनों में उस पर जवाब आएगा। हालांकि कहा यह भी गया है कि अगर जवाब नहीं मिला तो लोक अभियान दूसरा रास्ता अख्तियार करेगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।